सभी को नमस्कार साथियों, नॉलेज बी सी एन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप सत्र 2021-22 का जो प्रगति पत्रक है उसको आप भर सकते हैं कक्षा पहली से लेकर के आठवीं तक का। जैसा कि आप सभी को पता है कि एंड लाइन असेसमेंट जो है विद्यार्थियों का वह कम्प्लीट हो चुका है। अब हमको बच्चों का प्रगति पत्र तैयार करके बच्चों को वितरित करना है। साथियों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रगति पत्रक में केवल हमको ग्रेड का ही उल्लेख करना है, प्राप्तांकों का उल्लेख नहीं करना है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह हमारे प्रगति पत्रक का फर्स्ट पेज है, प्रथम पृष्ठ है। देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, स्कूल शिक्षा विभाग प्रगति पत्रक प्राथमिक स्तर का हो गया। इसी प्रकार से आप मिडिल का भी भर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सत्र आपको दिखाई पड़ रहा है 2021-22। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे बेसिक जानकारी दी गई, इसको आपको फिलअप करनी है। जैसे कि विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, फिर जिला, विकासखंड, कक्षा, विद्यार्थी का पूरा नाम, विद्यार्थी का जो आईडी है उसको आपको फिलअप करनी है। विद्यार्थी की आईडी आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। फिर आपको विद्यार्थी का दाखिल क्रमांक, फिर माता का नाम, पिता का नाम, विद्यार्थी का जन्म तिथि, उसकी जो जाति है, फिर उसकी जो ऊंचाई है, वजन, रुचि, और फिर विद्यार्थी का वर्तमान पता, साथ ही विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, और विद्यार्थी बड़ा होकर क्या बनना चाहता या चाहती है उसका इस प्रकार से आपको उल्लेख कर देनी है। तो इस प्रकार से आप प्रथम पृष्ठ को भर सकते हैं। इसमें प्रथम पृष्ठ में क्या है, जो विद्यार्थी की बेसिक जानकारी आपको फिलअप करनी है। बेसिक जानकारी के बाद देखिए, यहाँ पर जस्ट इसके बैक साइड में आपको दिखाई पड़ता है जीवन कौशल। जीवन कौशल में आपका दिया गया है अनुशासन, सृजनात्मकता, स्वच्छता, संप्रेषण, तार्किक चिंतन, परस्पर सहयोग और नेतृत्व क्षमता। तो यहाँ पर देखिए, अवधि वन दिया गया है और अवधि टू दिया गया है। अवधि वन जो है हमारा जुलाई से दिसंबर है, इसमें केवल आपका ग्रेड का ही उल्लेख करनी है, और अवधि टू है हमारा जनवरी से मार्च, इसमें भी हमको केवल ग्रेड का ही उल्लेख करनी है। यहाँ पर देखिए, प्राप्तांकों के आधार पर हमको ग्रेड निर्धारण दिया गया है कि प्राप्तांकों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है यह ग्रेड। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर यह प्राप्तांकों का प्रतिशत है, यहाँ प्राप्तांक नहीं है। तो प्रतिशत के आधार पर ही आपको यहाँ पर ग्रेड दिया गया है, इसके आधार पर ही आपको विद्यार्थी को ग्रेड देना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जुलाई से दिसंबर का ग्रेड इस प्रकार से आपको उल्लेख कर देनी है, और अवधि टू में भी आपको जनवरी से मार्च में विद्यार्थी का ग्रेड है इसको आपको इस प्रकार से उल्लेख कर देनी है। उल्लेख करने के बाद फिर यहाँ पर सकल ग्रेड दिया गया है, तो यहाँ पर इन दोनों का योग का ग्रेड यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। तो साथियों, इसके लिए क्या करनी है, आपको एक कैलकुलेशन कर लेनी है। यहाँ पर देखिए, ग्रेड जो दिया गया है ED, C, C+, B, B+, A+, तो यहाँ पर देखिए, जीवन कौशल में आप सकल ग्रेड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कुल 8 ग्रेड है, तो इसको आप अंकन कर लेंगे, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार से देखिए, अवधि 1 में हो गया A+ यानी कि 8, और अवधि 2 में भी A+ यानी कि 8, तो 8 कितने हो गए 16, कुल कितनी अवधि है 2। तो इस प्रकार 16 में आप भाग कर देंगे 2 का, कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 यानी क्या हो जाएगा आपका A+। तो इस प्रकार से आप सकल ग्रेड के लिए इस प्रकार से आप कैलकुलेशन तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जीवन कौशल में सभी को फिलअप आपको करनी है इस प्रकार से। उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थी की उपस्थिति की, मासिक उपस्थिति की। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल में विद्यालय है लंबे समय तक बंद था, तो जिस माह में आपका विद्यालय ओपन हुआ है उसी माह में आपको शाला लगने के दिनों की संख्या आपको इस प्रकार से फिलअप करनी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सत्र 2021-22 में जो विद्यालय अगस्त में ओपन हुए हैं, तो हमारे विद्यालय के मामले में, जिले के मामले में देखिए, हमने अगस्त में 24, सितंबर में 24, अक्टूबर में 20, नवंबर में 18, दिसंबर में 22, जनवरी में 3, फरवरी में 17, मार्च में 24 और अप्रैल में 18, इस प्रकार से हमने एक नमूना था। किसी किसी स्कूल में यह जो शाला लगने की दिनों की संख्या वह डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि अगस्त में तो विद्यालय ओपन हुए हैं, लेकिन किसी जिले में अगस्त में लेट से विद्यालय ओपन हुए हैं, तो किसी भी जिले में विद्यालय ओपन ही नहीं किए गए थे, क्योंकि SMC द्वारा परमिशन नहीं दिया गया था। उसी प्रकार से आप सभी को पता है कि जनवरी में फिर से पुनः लॉकडाउन घोषित किया गया था, विद्यालय को बंद कर दिया गया था, और फरवरी में फिर से ओपन किया गया। तो कई कई जिलों में क्या था कि जनवरी में लॉकडाउन तो हुआ लेकिन विद्यालय बंद नहीं किए गए थे, इसलिए यहाँ पर शाला लगने के दिनों की संख्या में अंतर आ सकता है। तो आपको अपने विद्यालय और जिले के अनुसार से इसको आपको फिलअप करनी है, लेकिन जिस माह में विद्यालय क्लोज था उस माह में आपको शाला लगने के दिनों की संख्या आपको फिलअप नहीं करनी है। फिर आपको उपस्थिति जो पंजी है विद्यार्थियों की, उसके आधार पर आपको यहां पर विद्यार्थियों की उपस्थिति का उल्लेख कर देनी है, और पाला की जो उपस्थिति है शाला की आयोजित बैठक में कब कब आए हैं उसका भी आपको इस प्रकार से काउंटिंग कर देनी है। काउंटिंग करने के बाद आपको इस तरह से इसको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं मेन जो हमको भरना है, बेस लाइन, एड लाइन, आकलन, कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से हमको ग्रेडिंग देनी है।
तो देखिए साथियों, आपके सामने बैक पृष्ठ आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रगति पत्रक आपको प्राप्त हुआ है उसमें इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा माहवार इकाई मूल्यांकन। यहाँ पे आपको विषय दिखाई पड़ेगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और औसत ग्रेड। मिडिल के मामले में यहाँ 6 विषय हो जाएगा, फिर औसत ग्रेड। फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ेगा इकाई मूल्यांकन 1 सितंबर, इकाई मूल्यांकन 2 अक्टूबर, इकाई मूल्यांकन 3 नवंबर, इकाई मूल्यांकन 4 जनवरी और इकाई मूल्यांकन 5 फरवरी और औसत ग्रेड। साथियों आप सभी को पता है जो इकाई मूल्यांकन था वह हमारा 10 अंक का था, तो इस प्रकार से 10 अंक हो गए। तो यहां पर देखिए एक चीज आपको फिर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, केवल यहां पर हमको प्रगति पत्रक में ग्रेड का ही अंकन करना है, अंक फिलअप नहीं करना है। यहां पर मैंने अंक केवल आपको समझाने के परिप्रेक्ष्य में अंक फिलअप किया हुआ है, केवल आपको प्रगति पत्रक में ग्रेड ही उल्लेख करनी है। यहां पर देखिए स्पष्ट कर दिया गया कि प्राप्त अंकों के आधार पर प्रगति पत्रक में ग्रेड ही भरा जाएगा, यहां पर आपको अंक उल्लेख नहीं करना है, केवल विद्यार्थी को कितना ग्रेड प्राप्त हुआ इस ग्रेड का आपको उल्लेख करना है। अंक का उल्लेख आपको जो आपका मूल्यांकन पंजी है, परीक्षा फल पंजी है, उसमें आपको उल्लेख करनी है, उसके बेस पर ही आपको ग्रेड तैयार करना है। यहां पर मैंने अंक का उल्लेख इसलिए किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहां पर देखिए इकाई मूल्यांकन हमारा 10 अंक का था, 10 अंक के आधार पर ही हमको ग्रेड का निर्धारण करनी है, यानी कि 10 को ही हमको 100% मांग के चलनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विद्यार्थी को हिंदी में 10 अंक प्राप्त हुआ इसलिए उसका ग्रेड क्या हो गया A+, अंग्रेजी में 8 अंक प्राप्त हुआ तो उसका ग्रेड क्या हो गया B+, उसी प्रकार से गणित में उसको प्राप्त हो 9 अंक तो उसका क्या हो गया ग्रेड A हो गया, और पर्यावरण में 10 हो गया तो हो गया A+। तो इसी प्रकार से आपको 10 अंक के आधार पर यहाँ पर ग्रेड का उल्लेख करना है। उसके बाद क्या करनी है, जितने भी जो प्राप्तांक है उसको इस प्रकार से योग हमने यहाँ पे कर दिया तो उसका ग्रेड क्या बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमको 50 अंक के आधार पर ही हमको ग्रेड तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 10 10 इस प्रकार से कुल 5 इकाई मूल्यांकन हो गए एक विषय का, तो जितना हो जाएगा 50। तो 50 अंक के आधार पर हमने यहाँ पर विद्यार्थी का ग्रेड निकाला है, तो विद्यार्थी को यहाँ पर जो प्राप्तांक प्राप्त हुआ था उसका योग कितना हो गया 49। तो 49 अंक का जो ग्रेड है हमारा क्या आ जाएगा A+ आ गया। उसी प्रकार से अंग्रेजी विषय का टोटल योग हो गया हमारा 38, तो 38 का ग्रेड बनता है B+। और उसी प्रकार से गणित का योग होता है हमारा 45, तो इसका जो ग्रेड बनता है वह A बनता है। उसी प्रकार से पर्यावरण का जो हमारा योग होता है वह 48 है, तो इसका जो ग्रेड बनता है 50 के आधार पर A+। इस प्रकार से यहां पर देखिए यहां पर जो आपका औसत योग है और ये वाला औसत योग है, इस यहां पर ये आपका दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए इसको हम जब इस प्रकार से काउंट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। तो 40 के आधार पर यहाँ पे हमको ग्रेड निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 40 में विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया, कुल 37 अंक प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इसका जो ग्रेड हो गया 40 के आधार पर A+, 40 के आधार पर 35 अंक प्राप्त किया तो इसका ग्रेड क्या हो गया A हो गया। उसी प्रकार से 40 के आधार पर इसने 36 अंक प्राप्त किया तो इसका ग्रेड क्या हो गया A हो गया। उसी प्रकार से 40 के आधार पर यहाँ पर 35 अंक प्राप्त हुआ है तो ग्रेड बन गया A, और 37 अंक यहाँ प्राप्त हुआ तो इसका ग्रेड बन गया A+। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 40 के आधार पर आपको औसत ग्रेड निकालनी है, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ पे 50 के आधार पर आपको औसत ग्रेड निकालनी है। तो इन चारों का योग और इधर से इन पांचों का योग यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 180 आ गया। अब 180 जो है हमारा किस पे किसके आधार पर हम इसका ग्रेड निकालेंगे, तो 50 50 100 हो गया, फिर 50 50 100, देखिए 200। तो यहाँ पे 200 के आधार पर इसका ग्रेड निकलेगा। इधर से भी आप इसको काउंट करेंगे 40 40, तो इस प्रकार से 4 5 20 हो गया। तो यहाँ पर ये जो कुल योग होगा हमारा 200 के आधार पर इसका ग्रेड निकलेगा। तो 200 में विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किया, तो उसका जो ग्रेड हो गया 200 के आधार पर A, तो यहाँ पर हमने A उल्लेख कर दिया। तो इस प्रकार से प्रगति पत्रक में केवल और केवल आपको ग्रेड ही भरना है, अंक आपको नहीं भरना है। तो इस प्रकार से हो गया माहवार इकाई मूल्यांकन से संबंधित, इस प्रकार से आप इकार तैयार कर सकते हैं, प्रगति पत्रक भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर आपको दिया गया है, तो हस्ताक्षर में कक्षा शिक्षक, प्रधान पाठक, संकुल समन्वयक और पालक का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं आकलन की। तो यहाँ पर देखिए आकलन में हमारा है बेस लाइन, मिड लाइन और एड लाइन, और साथ ही औसत ग्रेड। यहाँ पे देखिए आपको विषय दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। तो साथियों यहाँ पे आपको जो बेस लाइन, मिड लाइन और एड लाइन में जो आपको ग्रेड भरनी है वह केवल देखिए प्रश्न पत्र के जो खंड अ है उसके आधार पर ही हमको प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना है। खंड ब और खंड स को हमको शामिल नहीं करना है, वह केवल कक्षा स्तर जानने के लिए प्रश्न पत्र में शामिल किया गया था। तो खंड अ के आधार पर ही हमारा जो है प्राप्तांक के आधार पर हमारा प्रगति पत्रक में ग्रेड का उल्लेख होगा। तो हम जानते हैं कि बेस लाइन का जो खंड अ था हमारा 30 अंक का, तो 30 अंक के आधार पर ही आपको ग्रेड फिलअप करनी है। तो देखते हैं कि विद्यार्थी ने हिंदी विषय पर 20 अंक प्राप्त किया, तो 20 अंक जो है 30 अंक के आधार पर ग्रेड बन गया बी।
19 जो है हमारा 30 अंक के आधार पर उसका ग्रेड बन गया बी, और 18 अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किया गणित विषय में, तो 30 अंक के आधार पर हमारा ग्रेड बन गया सी प्लस, और पर्यावरण विषय में उन्होंने 22 अंक प्राप्त किया है, तो 30 अंक के आधार पर इसका जो ग्रेड बन गया बी प्लस। अब जब हम इस चारों को योग करते हैं तो योग करने पर कितना हो गया, यह हमारा 79 हो गया, तो 79 हो गया। इस प्रकार से 21 के आधार पर हम इसको ग्रेड निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 30 अंक है, तो 30 60 फिर 90 और 30 कितना हो गया 120, तो ये जो अंक है हमारा 120 के आधार पर है, तो 120 के आधार पर ही हमको यहां पर ग्रेड निकालनी है, तो यहां पर 120 के आधार पर ग्रेड क्या आ गया, बी आ गया। उस प्रकार से बात करते हैं मिड लाइन की, तो मिड लाइन हमारा 30 प्लस 10 यानी कि 30 अंक हमारा खंड अ का हो गया और 10 अंक हमारा क्या हो गया प्रोजेक्ट का। जैसे कि आप सभी को पता है कि मिड लाइन में 10 अंक का प्रोजेक्ट भी बच्चों को दिया गया, तो इस प्रकार से कितना हो गया 30 और 10 40, तो यहां पर 40 अंक के आधार पर ग्रेड का निर्धारण आप करेंगे। तो विद्यार्थी ने हिंदी अंक में प्राप्त किया 32 अंक, यानी कि खंड अ और प्रोजेक्ट को मिलाकर के उसको 32 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 40 अंक के आधार पर इसका जो ग्रेड क्या बन गया, ए बन गया। उसी प्रकार से अंग्रेजी में उसको 30 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 40 अंक के आधार पर इसका जो ग्रेड बन गया बी प्लस बन गया। गणित विषय में विद्यार्थी को 29 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 40 अंक के आधार पर इसका ग्रेड क्या बन गया, बी प्लस बन गया। और पर्यावरण में उसको 33 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 40 अंक के आधार पर इसका ग्रेड क्या बन गया। उसके बाद हम जब ये चारों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 124, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए चूंकि ये मिड लाइन हमारा प्रति विषय 40 अंक है, तो 40 40 के आधार पर इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा 40 40 80 हो गया और 40 40 80 हो गया। इस प्रकार से 80 80 कितने हो गए 160, तो 160 के आधार पर इसका आप ग्रेड निकालेंगे, तो 160 में विद्यार्थी ने 124 अंक प्राप्त किया है, तो उसके आधार पर इसका जो ग्रेड क्या बन गया बी प्लस, तो यहाँ पे 160 के आधार पर हमको ग्रेड निर्धारण करेंगे। उसके बाद एंड लाइन, एंड लाइन हमारा फिर खंड अ के आधार पर लेना है, तो खंड अ हमारा 30 अंक का था, तो 30 अंक में विद्यार्थी ने जितना प्राप्त अंक अर्जित किया हुआ है उसका आपको उल्लेख करना है, खंड ब और स को आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो विद्यार्थी ने हिंदी पे 25 अंक प्राप्त किया तो उसका ग्रेड क्या बन गया, ए बन गया 30 के आधार पर। अंग्रेजी में 22 प्राप्त किया तो बी प्लस हो गया, और गणित में 20 प्राप्त किया तो बी हो गया, और पर्यावरण में 27 अंक प्राप्त किया तो क्या हो गया ग्रेड ए हो गया। तो इसको हमने 30 अंक के आधार पर निकाल लिया। अब इसका हम ग्रांड योग करेंगे तो कितना हो गया 94 हो गया, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा 30 30 60 और 60 60 120, यानी कि यहाँ पर आपको जो ग्रेड निकालेंगे 120 के आधार पर निकालेंगे, तो 120 के आधार पर विद्यार्थी ने 94 अंक प्राप्त किया है, तो उसका ग्रेड क्या बन गया बी प्लस। अब उसके बाद देखिए औसत जो ग्रेड है आपका इस प्रकार से खड़ी और ये आपका आड़ी, दोनों क्या होना चाहिए सेम होनी चाहिए, तो इसको हम जब ये चारों को जोड़ते हैं तो 297 होता है, और यहाँ पर भी इन तीनों को जोड़ते हैं तो 297 होता है। तो यहाँ इधर से यदि आप ग्रेड निकालेंगे तो यह आपका क्या हो गया 100 के आधार पर ग्रेड निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 30 और 40 और 30 कितने हो गए 100 हो गए, तो 100 में विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया 20 32 और 25, तो कुल कितना हो गया 77 अंक प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थी को तीनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ 71 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर कितना हो गया 67 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर बेस लाइन मिड लाइन और इन लाइन को जोड़ने पर विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त कर रहा है 82 अंक प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम पर विषय का ग्रेड निकालेंगे वो हमारा 100 के आधार पर होगा। इस प्रकार से तो विद्यार्थी ने 100 पर 77 प्राप्त किया तो बी प्लस, 71 प्राप्त किया तो बी प्लस, 67 प्राप्त किया तो बी, और 82 प्राप्त किया तो इनका ग्रेड क्या बन गया ए बन गया। अब जब ये इन चारों विषय को हम जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है यहाँ पर 297 हो रहा है, और पर विषय कितना हो गया 100 100, यानी कि 100 200 300 और 400, तो 400 में विद्यार्थी ने कुल कितना अंक अर्जित किया तो 297 अंक अर्जित किया, तो 297 अंक 400 के आधार पर उसका जो ग्रेड बनता है वह है हमारा बी प्लस, तो यहाँ पे हमारा ग्रेड हो गया बी प्लस। तो इस प्रकार से जब आप प्रगति पत्रक में ग्रेड भरेंगे तो केवल आपको इस प्रकार से जो ग्रेड है उसी ग्रेड को ही आपको फिलअप करनी है, आपको अंक को फिलअप नहीं करनी है। मैंने ये केवल समझाने की दृष्टि से ये केवल अंक का यहाँ पे उल्लेख किया है, तो बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि प्रगति पत्रक में केवल और केवल आपको ग्रेड का ही उल्लेख करना है, और वो भी केवल खंड अ के आधार पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर और स्पष्ट कर दिया कि प्रश्न पत्र के खंड अ में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना है, और मिड लाइन आकलन में खंड अ और प्रायोजक कारक के अंकों का योग के आधार पर आपको ग्रेड दिया जाना है। इस प्रकार से साथ ही यहाँ पे दिया गया कि विद्यार्थी की कोई विशेष उपलब्धि हो तो उसका आपको उल्लेख यहाँ पे आपको उल्लेख कर देनी है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कक्षा शिक्षक, प्रधान पाठक, संकुल समन्वयक और पालक के आपको हस्ताक्षर कराना है। उसके बाद देखिए साथी जो फ्रंट पेज है वहाँ पे आपको दिया गया कि विद्यार्थी ने बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन में कौन कौन से ग्रेड प्राप्त किए, तो यहां पर जो औसत ग्रेड लास्ट में दिया है इसी ग्रेड का आपको उल्लेख करनी है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, तो जैसे कि यहां पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि चलिए हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं,
तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको विद्यार्थी की उपस्थिति की जैसे नीचे में की दिया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे विद्यार्थी का नाम रहेगा, उसका कक्षा रहेगा कि सत्र 2021-22 में आयोजित बेस लाइन आकलन में। तो यहाँ पर बेस लाइन आकलन में आपका क्या रहेगा, जो लास्ट का औसत ग्रेड है आपका, तो उसी ग्रेड को यहाँ पे उल्लेख करते हैं। बेस लाइन में बी ग्रेड हो गया, मिड लाइन आकलन में बी प्लस ग्रेड हो गया, और एंड लाइन आकलन में बी प्लस ग्रेड हो गया। इस प्रकार से आपको फिलअप अलग अलग आकलन का आपको अलग अलग ग्रेड का उल्लेख करनी है। तो इस प्रकार से आपको विद्यार्थी का प्रगति पत्रक आपको तैयार करना है। और इस प्रकार से फिर यहाँ पे दिया गया है कक्षा शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधान पाठक का हस्ताक्षर, संकुल समन्वयक का हस्ताक्षर और पालक का हस्ताक्षर। इस प्रकार से आपको हस्ताक्षर करके उक्त प्रगति पत्रक को विद्यार्थियों को वितरित करना है। साथ ही यहाँ पर पासपोर्ट साइज के लिए स्थान दिया गया, तो यहाँ पर विद्यार्थियों का आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चस्पा कर देनी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से विद्यार्थियों का प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। साथियों, किस प्रकार से आप विद्यार्थियों के प्राप्तांक है उसका, किस प्रकार से आप प्राप्तांक को ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी प्राप्तांक के आधार पर किस प्रकार से आप ग्रेड तैयार कर सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो उसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रगति पत्रक तैयार करने में साथ ही परीक्षा पत्र। तो इस प्रकार से जो ग्रेड चार्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे संबंधित वीडियो भी आपको उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से विद्यार्थियों का परीक्षा फल पंजी और प्रगति पत्रक तैयार रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।